फिर से बालाजी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक मैंने फिटर के सेकेंड ईयर की बर्ड्स ऑफ कंजर्वेशन एंड साइंस की वीडियो बनाई है, जिसमें हम साइंस की वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले एक साइंस की वीडियो बनाई थी विज्ञान की, जो आपकी गुरुत्व केंद्र संबंधित थी, उसी से रिलेटिव से संबंधित आज उसका दूसरा भाग बनाएंगे। आप लगातार इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाते रहिएगा, जिससे कि और भी आपकी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें नोटिफिकेशन के माध्यम से। और भी जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, और भी जो ट्रेड थ्योरी है, ड्राइंग है, इम्प्लॉयमेंट्री है, अत्यधिक जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। इसलिए आप सारी ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको संबंधित वीडियो आपको आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। कमेंट में आप जरूर अपना सुझाव जरूर लिखें, ठीक है। जैसा हम आज बात करते हैं गुरुत्वीय केंद्र, नीचे लिखो तो गुरुत्वीय केंद्र बहुत आज हम बात करेंगे गुरुत्व केंद्र, जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, आज उसी का भाग दो है। अभी तक हम इससे पहले वीडियो में हमने गुरुत्व केंद्र में ये सीखा किस किस का गुरुत्व केंद्र, विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, पिंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, कि गुरुत्व केंद्र कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, किसी के पिंड पे होते हैं, किसी के पिंड के बाहर होते हैं, ठोस वस्तु में किस ऊंचाई से कितने तक होता है, जैसे हमने बात करी थी शंकु का, वृत्त का, ठोस की बात करी थी, टू डायमेंशन बात करी थी, थ्री डायमेंशन की बात करी थी, ठीक है। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे इनके परिवर्तन और इनके भार में कब परिवर्तन होता है, इनकी स्थिति क्या होती है, किस स्थायी संतुलन क्या है, अस्थायी संतुलन क्या है, और उदासीन संतुलन क्या है, इनके बारे में बात करेंगे आज। इससे पहले वीडियो हमने बात करी थी कि कहाँ गुरुत्व केंद्र स्थिर होता है, तो इसमें संतुलन की अवस्थाएं हैं, संतुलन की इक्विलिब्रियम कंडीशन संतुलन की अवस्थाएं हैं। यहां पर संतुलन अवस्था तीन प्रकार की है, नंबर एक स्थायी संतुलन, नंबर दो अस्थायी संतुलन, और नंबर तीन उदासीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन क्या है, किसी चीज के लिए हम आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, जब किसी वस्तु या किसी पिंड को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर हो जाता है, तब की स्थिति में आपका क्या कहलाता है, स्थायी संतुलन। जैसे कि एक मेज पर, एक मेज है, इस पर एक पुस्तक रखी है, एक बुक है, बुक रखी है इस पर, अगर हम इसको थोड़ा उठा दें और फिर छोड़ दें तो ये उठाने पर क्या हुआ, एक बात ध्यान सुनिए कि जब जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, मतलब पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो उसका गुरुत्व केंद्र, जो उसका गुरुत्व केंद्र हुआ, ये हमेशा घटता है, कम होता है। पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमेशा घटेगा और या कम होगा। इस पुस्तक को ऊपर लिख दिया, उठाया, विस्थापित किया, मतलब विस्थापित थोड़ा विस्थापित हटाया या मूव किया, तो क्या होगा, छोड़ने पर ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा। ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आने की प्रक्रिया को स्थायी संतुलन कहते हैं। जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से कुछ ऊपर विस्थापित कर, कुछ विस्थापित कर जाता है, तो गुरुत्व केंद्र का मान घट जाता है या ऊपर चला जाता है,
इस अवस्था को स्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन क्या होता है? अस्थायी संतुलन क्या होता है? जब किसी मेज पर एक पेंसिल लगी है और पेंसिल को थोड़ा विस्थापित किया, वो गिर गई नीचे, तो उसका गुरुत्व के नीचे की तरफ आ गया, गिर गई नीचे, इस कंडीशन अपने अपनी अवस्था में वापस नहीं आ सकती। पेंसिल की नोक अगर हमने ये मार्कर है, ये मार्कर हमने यहां पर अपने इस पर रख दिया, ये दो मार्कर है, इसको हमने एक मार्कर को यहां रख दिया, ये मेज समझ लीजिए, यहां रखने के बाद हमने छोड़ दिया तो ये गिर गया, नीचे गिर गया, लेकिन ये पूरा अपनी स्थिति में वापस नहीं आ सकता, और इसका नीचे गिरने पर गुरुत्वीय केंद्र मान बढ़ जाएगा, अपनी स्थिति में वापस नहीं आ सकता। इस क्रिया को अस्थायी संतुलन कहते हैं, ठीक है। उदासीन संतुलन क्या है? बहुत एक इन इन दोनों से बहुत ही डिफरेंट है, वो क्या है? उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन क्या होता है? जब किसी वस्तु को उससे विस्थापित कर दे और उसके बाद विस्थापित करने के बाद उसका गुरुत्व केंद्र नहीं बदलता, वो कंडीशन, वो क्रिया आपकी उदासीन संतुलन कहलाती है। एग्जाम्पल की तरफ सुनिए, एक गेंद है, उस गेंद को मैंने फर्श विस्थापित किया, फर्श पे थोड़ा धक्का लगाया, विस्थापित मतलब विस्थापित हुई, वेग उसमें उत्पन्न हुआ, वेग उत्पन्न हुआ तो विस्थापित होगी, विस्थापित होने गेंद ये है, ये गेंद है, यहां से मैंने इसको मूव किया, यहां से मैंने मूव किया, अभी इसका गुरुत्वीय केंद्र यहां पर है, क्योंकि मैं पता गोले का कहां पर होता है, केंद्र होता है, गेंद एक गोला है, इससे पहले की वीडियो मैंने बताया था कि ठोस गोले का गुरुत्वीय केंद्र उसके केंद्र में होता है, तो गेंद एक गोला ही तो है, तो उसका गुरुत्वीय केंद्र जी यहां पर होगा, ठीक है, और ये मूव करता है जहां यह रुक जाएगा, ये रुक जाएगा यहां पर, रुकने पर इसका गुरुत्वीय केंद्र ही नहीं होगा। तो उदासीन संतुलन ये कहता है कि गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति नहीं बदलती है, अगर गेंद को विस्थापित किया उस समय अंतराल में गेंद रुक गई और उसका गुरुत्वीय केंद्र जी यहीं पर आएगा, तो इस क्रिया को उदासीन संतुलन कहते हैं। ये तीन प्रकार के संतुलन है, एक स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन। अभी हमने संतुलन के बारे में पढ़ा, यहां तीन प्रकार संतुलन थे, स्थायी, अस्थायी, उदासीन। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी भार में कमी कब आती है, भार में परिवर्तन, भार कब बढ़ जाता है और कब घटता है, ये सब क्रिया होती है गुरुत्व केंद्र पर निर्भर। जैसा कि हम आप जानते हैं कि हमने ये समझाया कि ऊपर जाने पर क्या होता है, गुरुत्व केंद्र का मान घट जाता है, लेकिन गुरुत्व केंद्र का मान घटता है लेकिन भार में कब कब परिवर्तन आता है, कब परिवर्तन का मतलब कब कम होता है कब ज्यादा होता है। कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में है, जो लिफ्ट चलती है, ऊपर नीचे लिफ्ट चलती है, तो लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट में ऊपर आते समय भार बढ़ता है, ऊपर आते समय भार बढ़ता है, ठीक इसी प्रकार नीचे आते समय भार घटता है लिफ्ट में, जो लिफ्ट होती है ऊपर जाते समय भार बढ़ रहा है लिफ्ट में और नीचे आते घटता है, ये सब क्रिया कहलाती है। भाई भार तो व्यक्ति का वही हुआ, अगर कोई व्यक्ति 50 केजी का है और लिफ्ट में 3 मंजिल गया है तो उसका भार बढ़ रहा है लिफ्ट में, उसे महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे वो लिफ्ट नीचे आता है तो उसे लगता है उसे शरीर को हल्का लगता है, उसका भार घट रहा है, ये सब गुरुत्वीय केंद्र के कारण होता है। ये मार्कर है, छोड़ दिया मैंने तो ये गिर नीचे गिर गया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ठीक इसी पर हम देखते हैं झूला है, एक झूला है, बड़ा झूला देखा है कई मेले में, बड़े झूले होते हैं, उन झूले में जैसा ही एक छोटी टोकरी होती है उसमें कोई व्यक्ति बैठे होते हैं, एक से दो व्यक्ति बैठे होते हैं, उस व्यक्ति जैसे वो नीचे की तरफ लाते हैं, ऐसे नीचे तरफ आता होता है, तो उस टाइम महसूस होता है इस ये यहाँ पर टॉप है और ये बॉटम है, ये अगर हम यहां से नीचे आ रहे हैं तो यहां पर भार घटेगा, घटता है, और यहां से जाते हैं ऊपर के लिए, जो नीचे आ रहे हैं नीचे और जो ऊपर के लिए, तो यहां पर भार बढ़ेगा, भार बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार जब हम जानते हैं ये सब क्रिया होती है किस पर, गुरुत्वीय केंद्र के कारण होती है, जैसे जैसे गुरुत्वीय केंद्र का मान घटेगा तो क्या होगा, वो भार कम होगा,
गुरुत्व के इसका मान बढ़ेगा तो भार ज्यादा होगा, क्योंकि हम बताएं आपको कि W बराबर mg, W है भार, m है द्रव्यमान किसी पदार्थ की, और यह है गुरुत्व केंद्र, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व केंद्र। किसी किसी द्रव्यमान के अंदर किसी पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, ना कि एक भार होता है, और भार तभी है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अब जी का मान जैसे बढ़ेगा तो सुता भार बढ़ जाएगा, और जी का मान जब घटेगा तो सुता भार घट जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इसमें सुझाव या कुछ अपना देना हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं।